बिल्कुल नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल थोड़ी केमिस्ट्री में। यहाँ पे आज अपन पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में लैंथेनोइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, उनका कलर शो करने का बिहेवियर और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। आप पर कोई डाउट आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में ये होता है कि कोई भी एटम होगा या कोई भी एलिमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पे देगा या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिमूवल के कारण वो क्या करता है कि कोई ना कोई आयंस में, पॉजिटिव आयंस में चला जाता है और पॉजिटिव आयन में जाके वो क्या करता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जैसा अपन ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनोइड्स के लिए। और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जैसे अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और भी मिलेगी, प्लस टू मिल सकती है, प्लस फोर मिल सकती है, तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों की कंपेयर में क्या होगी, स्टेबल होगी। और अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई भी एटम है वो अगर प्लस टू में या प्लस फोर में प्रेजेंट है वो जल्दी से जल्दी प्लस थ्री में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपने को कभी कभी प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। ऐसा मोस्टली किस कारण होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें अपने को एक तो हाफ फिल्ड कॉन्फिगुरेशन के कारण, हाफ फिल्ड कॉन्फिगुरेशन होगा यहाँ पे F7, फुल फिल्ड कॉन्फिगुरेशन हो सकता है यहाँ पे F14। और उसके अलावा आपको एम्प्टी एफ ऑर्बिटल, अब आप पूछेंगे एम्प्टी एफ ऑर्बिटल में किस तरीके से स्टेबिलिटी होगी, तो एम्प्टी एफ ऑर्बिटल होंगे तो उस टाइम ये एक नोबल गैस का कॉन्फिगुरेशन होगा और नोबल गैस आपको पता है इनर्ट गैसेज होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन स्टेबल कॉन्फिगुरेशन होता है। तो इन तीन रीजंस के कारण आपको प्लस थ्री के अलावा कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। एक तो होता है सीरियम। सीरियम अपने को Ce4+ ऑक्सीडेशन शो करता है, तो CaCe4+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये होती है इस नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन के कारण, क्योंकि अगर सीरियम में से चार इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं तो वो एक नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन होता है और ये Ce4+ अपने को देखने को मिलता है। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो Ce4+ है ये जल्दी से जल्दी वापस Ce3+ में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि Ce4+ के कंपेरिजन में Ce3+ ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ये जल्दी से जल्दी Ce3+ में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। इसके लिए अपने सेल पोटेंशियल जो अपन कह सकते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं उसकी यहाँ पे वैल्यू होती है पॉजिटिव में, और ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसकी भी वैल्यू जो आती है रिडक्शन पोटेंशियल की वो अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो प्रोसेस वहाँ पे रिडक्शन का होगा और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ अपने को ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, तो ऑक्साइड्स में अपने को प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल सकती है, जैसे Pr के लिए, Nd के लिए, Pb या Dy के लिए अपने को प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ऑक्साइड यहाँ पे होते हैं MO2, M आपको पता चल ही गया होगा, M यहाँ पे क्या है 4+ है और 2 O2 2 O 2-, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और मेटल की यहाँ पे +4 होती है। ऐसे अपन देखते हैं कि अपने को ये जो Yb है ytterbium, तो ytterbium 2+ जो होता है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती है F14 के कारण, यहाँ पे फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रेजेंट रहता है, इसके कारण अपन इसके F14 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट देख पाते हैं। ऐसे कैसे कुछ एग्जांपल्स ये भी ले लीजिए, जैसे euphorbium हो गया Eu2+ या Pb4+, तो ये दो जो होते हैं यहाँ पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रेजेंट रहता है, यानी कि F7। इस F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के कारण ये अपने को 2+ और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने बता दिया।
और बट इसमें एक और नोट करने वाली बात ये है कि ये जो एफ ब्लॉक के जो लैंथेनाइट वाले एलिमेंट है ये मोस्टली बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ज्यादातर यहाँ पे नो बॉन्डिंग, कोई तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 4f है, तो 4f ऑर्बिटल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इनर साइड। इनर साइड उसके बाहर क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके? 5p, यहाँ पे 5s। तो ये 5s और 5p इन ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, या इनके इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो होता क्या है कि 4f ऑर्बिटल जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, या बॉन्डिंग इनमें हो ही नहीं पाती है। तो इस कारण देखा जाता है कि मोस्टली ये इनर्ट फॉर्म में अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बाकी इसको आयंस फाइंड कर किए जा सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि भाई कोई भी आपके एलिमेंट है, आप उसमें उसके आउटर साइड अगर मैग्नेट्स लगा रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, तो उसका उस मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पॉन्स कैसा है, या मैग्नेटिक फील्ड में के प्रति बिहेवियर कैसा है? जैसे क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के साइड अट्रैक्ट हो रहा है या वहां से रिपेल हो रहा है, उस बेसिस पे उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है। अपन यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स के लिए। तो लैंथेनॉइड्स के लिए बात ऐसी होती है कि जब लैंथेनॉइड्स में देखा जाता है तो मोस्टली अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, मोस्टली अपने को देखने को मिलता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म आप समझ सकते हैं ये होता है अट्रैक्शन। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है अट्रैक्शन होना। ठीक है, तो अपन अट्रैक्शन देखते हैं मोस्टली जब बात की जाती है इसकी आपके एफ लैंथेनॉइड्स के मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म, पैरा मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है ज्यादातर एलिमेंट में, और वहां पे अपन बात करते हैं कि एक तो लैंथेनम 3+ और एक ल्यूटीशियम 3+, इन दोनों में डायमैग्नेटिज्म देखने को मिल सकता है अपने को, क्योंकि यहां पर कोई भी तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये दोनों कलरलेस भी होते हैं, इनके आगे अपन कलर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और ये यहाँ पे डायमैग्नेटिक नेचर के भी होंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। उसके अलावा इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब बात ये आती है कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, या कह सकते हैं अपन इसका म्यू इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमेशा अपन बात करते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाती है तो वहां पे दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक तो होता है स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन और एक होता है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले मैं बता चुका हूँ डी ब्लॉक में स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक होता है ऑर्बिटल के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खुद की स्पिन के कारण और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में स्पिन के कारण जो भी उसके कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अपन ने जब बात की थी कि भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेंच्ड हो जाता है, क्वेंच मतलब होता है कम हो जाता है, या ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे काउंट ही नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे अपन सिर्फ और सिर्फ स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं, और अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं कि अंडर रूट एन कोष्टक एन ब्रैकेट एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, और इससे अपन निकालते हैं डी ब्लॉक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट। बट यहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन का भी कुछ ना कुछ भाग रहेगा और ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का भी कुछ ना कुछ भाग रहेगा जब आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए अगर आपको म्यू इफेक्टिव कैलकुलेट करना है या उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज देना होगा वहां पे। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, S और L दोनों आ रहे हैं 4s
ब्रैकेट एस को एस प्लस वन ब्रैकेट क्लोज देन प्लस देन एल ब्रैकेट एल प्लस वन और ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। पीछे बोर मैग्नेट ऑन है जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की क्या एक यूनिट है। यहाँ पे एस जो होता है वो होता है अपने स्पिन क्वांटम नंबर और एल होता है ऑर्बिटल या एजिमेंशल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एस और एल आपको दोनों की वैल्यू मिली मिलती है, आपको मिलेगी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सॉरी एजिमेंशल नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ पे एक तो होता है एस हो गया वो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर और एल हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे एस जो होगा वो तो होगा इलेक्ट्रॉन के स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण और एल होगा वो होगा ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद अपन इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने को अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपने को इनकी वैल्यूज दी हुई होती है, आपको सीधा का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है और आपको ये आंसर मिल जाता है। इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है और मोस्टली पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब आउटर मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्ट होते हैं ये। तो ये तो होता है इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में और होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या हो सकती है, जैसे इनका कलर कैसा हो सकता है या इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं और इनकी रिएक्शंस कैसे होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।